आशीर्वादाए किया खुदा वंदने कितना आशीर्वादाए किया खुदा वंदने जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें जहाँ दो या तीन जमा हो अकेला ना छोड़ू मैं रू अपनी बेजू तुझे अकेला ना छोड़ू मैं रू अपनी बेजू तुझे अनाथ भी ना छोड़ू एक मददगार भेजू तुझे अनाथ भी ना छोड़ू एक मददगार भेजू यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें कितना आशीर्वाद आए किया खुदा वंदने कितना आशीर्वाद आए किया खुदा वंदने जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो सबको जय यीशु की जय यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों यूकरिस्त का मतलब है धन्यवाद इसलिए जब जब हम मिस्सा बलिदान में आते हैं इस यूकरिस्त में भाग लेने आते हैं तो हमें ज़रूरत है हम अपने जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें ईश्वर ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं हर एक सांस ईश्वर का तोहफा है उस ईश्वर के महान वरदानों के लिए हमें ज़रूरत है कि हम ईश्वर को धन्यवाद दें आइए पूरे दिल से पूरे मन से हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लें और ईश्वर को धन्यवाद दें इस मिस्सा बलिदान की शुरुआत में आइए हम अपने आप की मन की जांच करें प्रभु का वचन कहता है पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्ग पिता पवित्र है पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्ग पिता पवित्र है इस मिस्सा बलिदान के काबिल बनने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को पाक बनाएं, अपने आप को साफ बनाएं। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों अपने मन की जांच करें जो जो पाप मैंने अपने ईश्वर के खिलाफ किए हैं उन सभी पापों से हम तोबा करें जो जो पाप जो जो गुनाह मैंने अपने भाई बहनों के खिलाफ किए हैं
उन सभी पापों से हम तौबा करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं मानव वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों के पाप क्षमा करे और हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी आशा और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। ऐसी कृपा कर कि हमारे सारे पाप तेरी दया के अनंत प्रभाव से धुल जाएं। जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं करते, उसे भी प्रदान करने की कृपा कर। ये हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर ने मुझ पर अपना पुत्र प्रकट किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र का सुसमाचार का प्रचार करूं। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा हमारे राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपना पुत्र प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। मैं 3 वर्ष बाद कैफस से मिलने यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में से किसी से नहीं हुई। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। मैं 3 वर्ष बाद कैफा से मिलने यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में से किसी से नहीं हुई। ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने तुम्हें
जो लिखा है वह एकदम सच है। इसके बाद मैं सीरिया और सिलसिया के प्रदेशों में चला गया। उस समय यहूदियों की मसीही कलीसियाएं मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। उन्होंने इतना ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार करता था वह अब उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसका सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था, और वह मेरे कारण ईश्वर की स्तुति करती थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ में। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय।
ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहां उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही, परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वे मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुना है, वे उससे नहीं लिया जाएगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमने मार्था और मरियम के इस दृश्य के बारे में आज के सुसमाचार में सुना है। इस दृश्य की जो पृष्ठभूमि है उसे हमें समझने की जरूरत है। मार्था और मरियम का यह दृश्य है, ये केवल लूकस के सुसमाचार में ही हमें मिलता है। इसकी जो बैकग्राउंड है उसे हमें समझने की जरूरत है। प्रभु येसु यरूशलम जा रहे हैं। प्रभु येसु को ये मालूम है कि यरूशलम में उनके साथ क्या क्या होने वाला है। प्रभु येसु को ये मालूम है कि यरूशलम में प्रभु येसु न्यायकर्ताओं के हाथ में सौंपे जाएंगे। प्रभु येसु को बहुत दुख सहना पड़ेगा। प्रभु येसु को कोड़ों की मार सहनी पड़ेगी। प्रभु येसु के सिर पर कांटों का ताज पहनाया जाएगा और प्रभु येसु को क्रूस की मौत का सामना करना पड़ेगा। ऐसे परिवेश में प्रभु येसु अपने दिल का जो दुख है उसे हल्का करना चाहते हैं, इसलिए प्रभु येसु मित्रों के घर में, मार्था और मरियम के घर में जाते हैं, ताकि प्रभु येसु अपने दुख को अपने मित्रों के साथ बांट सके। ऐसे परिवेश में देखिए, मार्था प्रभु येसु का स्वागत करती है और प्रभु के सेवा और सत्कार में लग जाती है, और दूसरी ओर उसकी बहन मरियम प्रभु येसु के सामने बैठकर उसके दुखों को सुनती है, उसके दिल की आह को सुनती है। लोग इस मार्था और मरियम के दृश्य को विभिन्न प्रकार से देखते हैं। कुछ लोग मार्था को कहते हैं कि मार्था एक ऐसी स्त्री है जो संसार की चीजों में पड़ी हुई है। मरियम को लोग दूसरी ओर एक धर्मी स्त्री मानते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, लूकस के सुसमाचार में यह बताना नहीं है कि मरियम बड़ी है या मार्था बड़ी है, मार्था के काम बड़े हैं या मरियम के काम बड़े हैं, परंतु लूकस के सुसमाचार का जो उद्देश्य है वो ये बताना चाहता है कि दो बहनें हैं जो प्रभु को बेहद प्यार करती हैं। दो बहनें हैं जो प्रभु को बहुत प्यार करती हैं और अपने तरीके से उस प्यार को प्रकट करना चाहती है। मार्था प्रभु को अपने प्रेम को
सेवा और सत्कार के साथ अपने प्रेम को प्रकट करती है। दूसरी ओर मरियम प्रभु के सामने बैठकर, प्रभु के साथ बैठकर प्रभु की बातें सुनती है और अपने प्रेम को प्रकट करती है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये दो बहनों की कहानी है। दो बहनों की कहानी है जो प्रभु से असीम प्यार करते हैं और अपने प्यार को प्रकट करते हैं। इसलिए कोई भी जो बात है कि मार्था बड़ी है, मार्था का काम बड़ा था या मरियम का काम बड़ा था, ये लूकस के सुसमाचार के उद्देश्य से परे है। हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 14 में पढ़ते हैं, जब प्रभु येसु अपने शिष्यों का चुनाव करते हैं, उसके लिए दो कारण थे। पहला कारण था कि प्रभु येसु अपने शिष्यों को इसलिए चुनते हैं कि वो उनके साथ रहे, और दूसरा कारण था कि प्रभु येसु अपने शिष्यों को इसलिए चुनते हैं कि वो सेवा का कार्य आगे जाकर करें, टू बी विद हिम एंड टू बी सेंट आउट। यही कारण है कि प्रभु अपने शिष्यों को चुनते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों चीजों की जरूरत है, एक प्रभु के साथ रहना और सेवा और सत्कार करना, सेवा में बाहर जाना, दोनों काम जरूरी है। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम मसीहों की ये बुलाहट है कि हम प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ के रखें और सेवा में अपने भाई बहनों के साथ रिश्ता जोड़ के रखें। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, विभिन्न धर्मों के सिद्धांत हैं त्याग और तपस्या को लेके। विभिन्न धर्मों के लोग मानते हैं त्याग और तपस्या यानी संसार से बाहर चले जाना, जंगल में बैठ के आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो। परंतु हमारा धर्म ये नहीं सिखाता, हमारा धर्म हमें संसार से परे नहीं जाने देता। हमारा धर्म सिखाता है कि हमारे विश्वास संसार में रहकर प्रकट होता है। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 13 और 14 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। इसलिए हमें अगर अपने आप को अपने विश्वास को प्रकट करना है तो हमें संसार से दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे विश्वास की जो प्रकट करने की जगह है वो है ये संसार। तुम संसार की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, किसी ने मुझसे पूछा एक बार, मैं जब इंटर रिलीजियस डायलॉग में गया था, उन्होंने पूछा कि आप एक शब्द में या एक वाक्य में अपने धर्म का सारांश बताइए। मैंने कहा हमारे धर्म का सारांश है प्रेम मोहब्बत, प्रेम और मोहब्बत, प्रेम अपने ईश्वर से और प्रेम अपने भाई बहनों से, प्रेम अपने ईश्वर से और प्रेम अपने भाई बहनों से। ये प्रेम साधारण चीज है, प्रेम करना आसान है मगर प्रेम करना मुश्किल भी है। हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर से प्यार करते हैं मगर जब बात आती है अपने भाई बहनों के साथ तो ये प्रेम बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हर एक शिष्य ये बुलाया जाता है, हर एक शिष्य बुलाया जाता है कि वे अपने जीवन में मरियम का स्थान ग्रहण करे जो प्रभु के साथ समय बिताना चाहती है। हर एक प्रभु का शिष्य ये बुलाया जाता है कि वह मार्था बने जो सेवा और सत्कार में अपने विश्वास को प्रकट करे। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारी बुलाहट इतनी आसान बुलाहट नहीं है।
पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। यानी सच्चे प्रेम के लिए तुम्हें गलना पड़ता है, सच्चे प्रेम के लिए तुम्हें झलना पड़ता है। यही है हमारी बुलाहट। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम अपनी बुलाहट को पहचाने। हमारी बुलाहट है हम अपने जीवन में मार्था बने, जो हमेशा सेवा और सत्कार में लगी रहती है। हमारी बुलाहट है कि हम मरियम की तरह अपनी सेवा और सत्कार के बाद प्रभु के उस चरणों में आकर बैठे, जहां से हमें वो ऊर्जा मिलती है, जहां हमसे हमें शक्ति मिलती है। आइए आज जब हम इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, प्रभु से आशीष मांगे कि प्रभु हमें ईश्वर की सेवा और हमारे भाई बहनों की सेवा का वरदान दे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त प्रतिज्ञा के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, ये बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं, वे हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हमारी ये प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। प्रभु खुदा पावन 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 सेनादि प्रभु खुदा। आकाश पे तरती सारी तेरी शान बता देने, अर्श वर्ष के सारे मिलके ये खुशी देगा देने। आकाश पे धरती सारी तेरी शान बता देने, अर्श वर्ष के सारे मिलके ये खुशी देगा देने। हो सना बोल के, हो सना बोल के दूता ने अज गाया है। पावन 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 सेनादि प्रभु खुदा, पावन 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 सेनादि प्रभु खुदा। तन अजेड़ा भी आता है रब दिना दे उते, चरना दे विच जो भी आवे पाक जगावे सुते। तन अजेड़ा भी आता है रब दिना दे उते, चरना दे विच जो भी आवे पाक जगावे सुते। ओ सना बोल के, ओ सना बोल के दूता ने अज गाया है। पावन 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 सेनादि प्रभु खुदा, पावन 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 सेनादि प्रभु खुदा, सेनादि प्रभु खुदा, सेनादि प्रभु खुदा। क्रिसमस में प्यारे भाइयों बहनों, ये पवित्र मिस्सा बलिदान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल फोन में इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, अपने आप को समर्पित करें। जिस प्रकार ये साधारण रोटी और दाकरस प्रभु के शरीर और रक्त में बदल जाता है, इस समय प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन प्रभु में परिवर्तित हो जाए, प्रभु में बदल जाए। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे,
कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त बन जाए। जिस रात यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु यीशु, तू अपनी सलीब ते जी उठण नाल सानू मुक्त कीता है, तू दुनिया दा मुक्ति दाता है। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता में सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए पिता परमेश्वर से पूरे भरोसे के साथ पूरे विश्वास के साथ वही प्रार्थना करें जो हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें आज दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु भय से बचा। आमीन। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर रहें और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्यों जो तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। आइए हम शांति के लिए प्रार्थना करें। हमारे निजी जीवन को प्रभु की शांति की जरूरत है। हमारे परिवारों को प्रभु की शांति की जरूरत है। हमारे देश को प्रभु के शांति की जरूरत है। हमारे संसार को प्रभु की शांति की जरूरत है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़े जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे वो शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हमें शांति प्रदान कर। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के उस प्रीति भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ऐसा पानी दे मुझको ऐसा
रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं, मेरे यीशु यीशु 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 रोटी मेरी तेरा वचन पानी मेरा तेरा वचन रोटी मेरी तेरा वचन पानी मेरा खाकर मैं भूखा न रहूं खाकर मैं भूखा न रहूं पीकर मैं प्यासा न रहूं मेरे यीशु यीशु 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 हम प्रार्थना करें हे सर्वशक्तिमान ईश्वर ये दिव्य संस्कार हमें तृप्त कर बल प्रदान करें और हम सबको प्रभुवर यीशु के अनुरूप बना दे जिनको हमने ग्रहण किया है हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो आमीन हम लोग विदा ले प्रभु की शांति साथ रहे ईश्वर को धन्यवाद हे परम दयालु कुवारी मरियम याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और अपने विनती की सहायता खोजने तेरे पास आया हो और तुझसे ऐसा छुड़ा गया हो हे कुवारियों की कुवारी हे मेरी माँ इसी आश्रय से ही तत्पास दौड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ हे परमेश्वर की शब्द की माँ मेरे शब्दों को स्वीकार मत कर पर दयासिन को सुन और पूरा कर आमीन हे माँ स्वर्ग की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर सन जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर में सदा रहूंगा साथ
चलूंगा मैं जय अजर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय अजर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। शांति आराम ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा चलूंगा मैं जय जर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।